टीम लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट पर आज़म है कि PSL 5 में लाहौर कलंदर्स मुख्तलिफ नताइज देगी और अपने फैंस को मायूस नहीं करेगी। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान। लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों ने कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन से पहले मीडिया डे सेशन में हिस्सा लिया। हेड कोच आकिब जावेद ने कहा कि PSL में लाहौर कलंदर्स अपनी साबका पोजीशन से हटी तो सबसे ऊपर जाएगी। मैनेजर समीन राणा ने कहा कि उनकी कोशिश हमेशा जीत रही है। जिस तरह की कंडीशंस हैं, जिस तरह के हमारे प्लेयर सिलेक्शन हुई है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। और जो रिजल्ट्स हैं पिछले सालों के, वो इस साल उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही कोई असरअंदाज हो सकते हैं। हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस दफ़ा टीम जो है आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देगी और इंशाल्लाह लाहौरियों को हम खुशी देंगे। कप्तान सुहेल अख्तर ने कहा कि सीनियर्स की मौजूदगी का उन पर दबाव नहीं। मोहम्मद हफीज, हारिस रऊफ और फखर जमान ने कहा कि PSL के लिए बड़ी मेहनत की है, तवक्कात पर पूरा उतरेंगे। सीनियर्स के होते हुए मेरा ख्याल है कोई खास दबाव नहीं होना चाहिए, सारे फ्रेंडली हैं और जिस तरह हम 2-3 माह से हमारा कैंप लगा हुआ है तो काफ़ी चीज़ें सीखने में भी मिली। इस साल के लिए हम सब लोग बहुत पूरी उम्मीद हैं, तैयारी पूरी है और मैं चाहूँगा कि जिस तरह हमारा हमारे हमें मुश्किल हालात में भी हमारे सपोर्टर्स ने, हमारे फैंस ने हमें मोहब्बत दी, प्यार दिया, उसी तरीके का प्यार इंशाल्लाह इस साल भी देंगे। बात होती है परफॉर्मेंस की, अगर आप परफॉर्म करते रहो तो ऑब्वियसली बात उसको रिगार्ड जरूर दिया जाता है। अब मेरे हाथ में है मेहनत करना और मैंने अपनी तरफ से काफी मेहनत की है। टीम में शामिल गैर मुल्की खिलाड़ियों ने कहा कि लाहौर आकर अच्छा लग रहा है, ये खूबसूरत शहर है, यहाँ सिक्योरिटी का मसला नहीं। It's a beautiful country. I wasn't expecting to see how beautiful it is. I've got quite a lot of experience playing in these conditions and hopefully my game can adapt accordingly and you know we can put some big totals on the board. स्क्वाड में शामिल नौजवान खिलाड़ी कहते हैं कि लाहौर कलंदर्स ने उन पर बहुत एतमाद किया है, वो इवेंट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर।